को मेरा नमस्कार, राधे राधे। मैं आपको ज्योतिष सेवा के अंतर्गत ज्योतिष की बातें बता रहा हूँ। पीछे मैंने कई सारे वीडियो डाले हैं, आज फिर आपकी सेवा में मैं लाइव हाजिर हूँ। हमारी कालचक्र की कुंडली में सबसे पहला स्थान मेष लग्न का आता है, पहला स्थान मेष लग्न का आता है। आज मैं उसी मेष लग्न और मेष राशि के बारे में आपको बताऊंगा। पहले मैं मेष राशि के बारे में बताता हूँ। मेष राशि क्या है कि हमारी कालचक्र की जो कुंडली है उसमें सबसे पहले मेष राशि का नाम आता है। मेष राशि, दूसरा नंबर वृष राशि, तीसरा नंबर मिथुन राशि, चौथा नंबर हमारा कर्क राशि का, पाँचवा सिंह राशि का है, छठवा नंबर हमारा कन्या राशि का, सातवा तुला राशि है, आठवां वृश्चिक राशि है, नौवां नंबर हमारा धनु राशि का है, दसवां नंबर मकर का, ग्यारहवां कुंभ राशि का और बारहवां नंबर हमारा मीन राशि का आता है। तो मैं आज सबसे पहले आपको मेष राशि के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मेष राशि को भारतीय ज्योतिष में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसको भेड़ की आकृति का माना गया है और इसका निवास गुर्दे के ऊपर के भाग में माना गया है। जो हमारी सौर पद्धति है उसके हिसाब से इसका जो समय है वो 20 अप्रैल से 19 मई है। चंद्र पद्धति जो है उसमें अप्रैल मई पाश्चात मत के अनुसार इसका जो समय है वो 21 अप्रैल से और 21 मार्च से 21 अप्रैल तक का। और भारत सरकार के द्वारा जो प्रकाश राष्ट्रीय हमारे पंचांग होते हैं उनके अंदर इसका जो समय है वो 15 मई से लेकर के और 14 अप्रैल 15 से लेकर के मई 14 तक का होता है। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आता है तो तब से इसका समय शुरू होता है। तो ये 15 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक का समय जो हमारे भारत सरकार के द्वारा जो प्रकाश हमारे राष्ट्रीय पंचांग होते हैं उनके अंदर हमारा समय होता है। इस राशि का जो अधिपति स्वामी क्रूर माने थोड़ा दुष्ट टाइप है, तेजस्वी ग्रह मंगल होता है। यह चर राशि है, मेष राशि चर राशि है। और अश्विनी, भरणी और कृतिका, अश्विनी के चार चरण और भरणी के चार चरण और कृतिका का एक चरण इसके अंदर आता है। इसका जो तत्व है वो अग्नि है और इसकी गणना पृष्ठोदय जो पिछले भाग से उदय होने वाली राशि होती है उसके अंदर होता है। इसकी दिशा पूर्व है, रंग इसका लाल माना गया है, कद इसका छोटा है, रहने का स्थान इसका वन माना गया है। हमारे ज्योतिष के अंदर जो इसको स्थान दिया गया है रहने का वो वन दिया गया है। जाति इसकी क्षत्रिय है, इसकी गणना पुरुष श्रेणी में आती है। यह चतुष्पद राशि है, जो मेष राशि है यह चतुष्पद राशि है। इसका अधिपति स्वामी ग्रह के देवता विघ्न विनायक श्री गणपति हैं। इस ग्रह के जो देवता है मंगल ग्रह के जो देवता हैं वो गणेश जी महाराज हैं। इसकी धातु मज्जा है, इसके मंगल को सौर मंडल में मंत्रिमंडल के सेनापति का स्थान प्राप्त, मतलब जो मंगल है वो हमारे सब ग्रहों के अंदर सेनापति है। इसका इंद्रिय ज्ञान नेत्र है। कुंडली में इसकी राशि उच्च मानी गई है। इसका आकार ढोल के समान माना गया है। इसका वेद साम वेद है, बुध शाखा का स्वामी माना गया है। इसका आयन दिन है, इसका फल दिन भर में मिल जाता है। मेष राशि का फल दिन भर में मिल जाता है क्योंकि इसका और पृथ्वी का दिन करीब करीब बराबर है। यह एक राशि में डेढ़ दिन रहती है। मैं सबका वर्णन और विवरण आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि पाठकों को अपना भविष्य पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रहने पर वह भविष्य कथन की जो प्रमाणिकता पर विश्वास भी करेंगे। क्योंकि यदि सब तथ्य इतने वैज्ञानिक हैं, इनकी व्याख्या के अनुसार ही भविष्य फल मिलता है, इससे सब विवरण का अर्थ भी आपको आगे मिल जाएगा। इस प्रकार के नाम गणना और वर्गीकरण का क्या अर्थ है आप पढ़कर हैरत में रह जाएंगे कि भविष्य फल का भविष्य कथन अन्य भविष्य फलों से भिन्न है। क्योंकि मैं इस विद्या को विज्ञान के रूप में मानता हूँ। ये कोई जो ये है ये कोई ज्योतिष नहीं है, ये विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान है। और विज्ञान हमेशा प्रमाणित होता है, इसको दिखा प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, प्रमाणित आपके सामने है। अतः यह सब वर्णन स्वयं आपको भी मेरी बात को विज्ञान की कसौटी पर परखने में सहायक बनेगा। इस राशि के देवता की आयु 60 वर्ष मानी गई है। यह सत्वगुणी होता है, प्रकृति कफ है, रत्न इसका मूंगा है और स्वाद इसका तिक्त कड़वा है। ग्रीष्म ऋतु है, सूर्य चंद्र बृहस्पति गुरु इसके जो मित्र हैं, बुध इसका शत्रु है, शुक्र और शनि के साथ में इसका साधारण मैत्री होती है। आकार के अनुसार कमर इसकी पतली है, बाल चमकते हैं, घुंघराले हैं, आंखें इसकी रक्त वर्ण की हैं, स्वभाव कूर और अस्थिर है, हृदय इसका उदार है, बार करने में यह बड़ा अचूक निशानेबाज है। शरीर में आघात या जलने का निशान इसके जरूर मिलेगा। वीर है पर अनुशासित है, अत्यंत कामुक और शीघ्र गुस्से में आने वाला है। इसका शुभ अंक 9 है,
जो मेष राशि मंगल है, मंगल का जो शुभ अंश है वो नौ है, क्योंकि सब ग्रहों का अंश होता है। जैसे एक नंबर सूर्य का है, दो नंबर चंद्रमा का है, तीन नंबर बृहस्पति का है, चार नंबर राहु का है, पांच नंबर अपना बुध का है, छह नंबर शुक्र का है, सात नंबर केतु का है, आठ नंबर शनि का है, और इसी प्रकार नौ नंबर जो है वो मंगल का है। इसकी जो हम व्याख्या करते हैं नौ नंबर को मानते हैं, तो मंगल का नंबर जो है वो नौ। पुराणों में मंगल को महिष तथा पृथ्वी का पुत्र कहा गया, भौम पुत्र है इसको, भौम इसका एक नाम भौम भी है मंगल का, इसलिए इसको भौम पुत्र भी कहा गया है। और ये वेदकालीन पंच ग्रहों की में इसकी गणना होती है। महाभारत में के जो कर्ण पर्व है उसमें इसकी विशेष चर्चा है, क्योंकि वहाँ भौम का नाम आया है महाभारत के कर्ण पर्व में, इसलिए इस मंगल को हम भौम पुत्र कहते हैं, भूमि पुत्र कहते हैं। और ये मंगल जो है इस भूमि का कारक भी है, जमीन जायदाद जो भी है उस सब का कारक है ये। अगर किसी को जमीन कोई किसी का प्लॉट हो उसका कारक मंगल होता है, और जो शनि होता है हमारी जन्म कुंडली में वो मकान का कारक हो, दोनों कारक हैं, शनि और मंगल दोनों ही कारक हैं। तो मंगल जो है वो किसी प्लॉट का खाली जमीन का कारक होता है, और शनि जो है वो किसी मकान का कारक होता है, दोनों ही कारक हैं ये मकान के। इसका जो रूप रंग है, इसके जो जातक हैं वो जातक गोरे रंग के होते हैं, उनके रक्त में लाल कणों की अधिकता होती है, गोरा होता है, थोड़ा तांबे जैसा रंग होता है, इनका ताम्र वर्ण का ऐसा पक्का रंग जिसको कहते हैं पक्का रंग होता है, इनका अश्विन गेहूं का रंग होता है। अश्विन या भणी नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं उनका यही रंग होता है, इनका गोरा श्यामल भी होता है, काला रंग बहुत ही कम होता है। मेष राशि के जो जातक हैं उनका रंग काला बहुत कम मिलेगा आपको, या तो गेहूं का मिलेगा या लाल रंग का रंग मिलेगा, या पक्का एकदम ऐसा रंग मिलेगा इनको। इनका कद जो है सामान्यतः छोटा होता है, लंबे चौड़े इस राशि के व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे आपको, मेष राशि का जो व्यक्ति है लंबा चौड़ा कम मिलेगा, कद थोड़ा इनका छोटा ही होता है, बदन गठीला होता है, बाल घुंघराले होते हैं। इस राशि की महिलाओं के बाल भी अधिकतर लंबे और घने होते हैं, आंखें बहुत सुंदर होती हैं, इनकी आंखों में चमक होती है, चंचलता बेहद होती है। जिस राशि की जो जातक महिलाएं हैं उसमें चंचलता बेहद होती है, पुरुष की आंखों के कोरों की लड़ाई अवश्य होती है, अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका शरीर ढाल के समान होगा, अर्थात उसकी तोंद निकली होगी, तुरंत शरीर होगा उसका। इसका जो स्वभाव है अस्थिर स्वभाव होता है, मेष राशि का जो अस्थिर स्वभाव होता है वो सब बहुत जल्दी आता है, और इतना जल्दी आता है उतना किसी को ठंडा भी हो जाता है, जितना गुस्सा इसको जल्दी आएगा उतना जल्दी गुस्सा इसका ठंडा भी हो जाता है, इसलिए इसका स्वभाव इस तरह। पता नहीं मेष राशि के जातक के पास आप बैठे हो, जरा सी किसी बात में उसको गुस्सा आएगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा, और ठंडा भी होगा तो साथ साथ ठंडा हो जाएगा, इसलिए इनको अस्थिर कहा जाता है, स्थिर नहीं है, इनका जो दिमाग है वो अस्थिर होता है। इनका हृदय बड़ा कोमल होता है, इनको खट्टे मीठे या तेज तिक्त पदार्थ खाना उनको बहुत अच्छा लगता है, वह डरपोक और कायर नहीं होता है, अगर मौका पड़ जाए तो मरने मारने को भी तैयार हो जाता है, या जब लड़ाई झगड़ा कहीं होता है तो अत्यंत क्रूर हो जाता है, एकदम भयानक रूप हो जाता है इसका, आंखें इसकी बाहर निकला दी, शरीर में इतना जबरदस्त ताकत आ जाती है इसके शरीर में मंगल की वजह से कि ये फिर किसी के रोकने से रुकता नहीं, इतना इसको गुस्सा आता है। अपने दुश्मन को ऐसा करता है टुकड़े टुकड़े करके डाल दूंगा, ऐसा इसका प्रभाव उस वक्त इसकी हाव भाव इसके शरीर का जो गुस्सा है वो इस तरह का गुस्सा हो जाता है। ये सत्वगुणी हैं, सच्चरित्र है, दृढ़ निश्चय होता है, संकल्प को पूरा करने जो कहता है वो करता जरूर है। ये जो मेष राशि का जातक है ये सच्चा इंसान होता है, जो संकल्प कह दिया उसको जरूर पूरा करता है, केवल इसका स्वभाव एक स्थिर है, अस्थिर स्वभाव की वजह से इसको कम सफलता मिलती है। अस्थिर का मतलब ये कभी कुछ कभी कुछ, एक जगह एक एक बात पर ये थोड़ा कम टिकते हैं। इसका तत्व अग्नि होता है, अग्नि तत्व होने का मतलब होता है थोड़ा गर्म स्वभाव हो गया, उग्र हो जाते हैं, जरा ऐसी बात पे भड़क जाना, किसी को कुछ कह देना और फिर बर्दाश्त नहीं करना, ये इनका थोड़ा स्वभाव उग्र स्वभाव होता है। इनका नेतृत्व गुण इनमें अधिक होता है, ये ज़्यादातर जो मिलेंगे आपको ऐसे मिलेंगे नेता जैसे लोग मिलेंगे, अपना नेतृत्व करने वाले कोई प्रधान गाँव का हो गया, सरपंच हो गया, किसी सेना का अधिकारी हो गया, या किसी बड़ा अफसर हो गया, आईपीएस पेशेवर हो गए, तो ये जो लोग हैं उस टाइप का होता है, इनमें नेतृत्व करने की नेतागिरी करने की जो ताकत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इनके अंदर। ऐसे ही सिंह राशि के जातकों के साथ होता है, ऐसे इनके साथ होता है। चतुष्पदी राशि होने का नहीं, बार बार गिरने पर भी, इसके अंदर एक खासियत ये है इस राशि के अंदर, इसकी चतुष्पदी मतलब चार पैरों पर चलने वाली राशि है, जैसे मेढ़ा है, मेढ़ा चार पैरों पर चलता है, इसकी आकृति भेड़े जैसी होती है, तो ये चतुष्पदी होने के कारण ये बार बार गिरता है फिर उठ जाता है, बार बार गिरता है, ये कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानते। ये जो जातक हैं ये मेष राशि के, ये ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानते, अगर गिरेंगे तो गिरने के बाद बार 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 उठेंगे, जब तक ये अपने लक्ष्य को नहीं पालेंगे तब तक ये चैन से नहीं बैठते। इनकी ये खासियत है, जब तक ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे तब तक ये चैन से मेष राशि के जातक नहीं बैठते। प्रश्नोदय राशि होने के कारण दुश्मन सामने से इन पर वार नहीं कर पाता, पीठ पीछे से वार करते हैं, तो प्रश्नोदय राशि है, सामने कोई पड़ेगा नहीं, पीछे से वार करते हैं, और जो पीछे से वार करते हैं ये फिर वहाँ मात खा जाता है,
वरना इसको कोई भी आदमी पराजित नहीं कर सकता, मेष राशि वालों को कोई पराजित नहीं कर सकता है। ये थोड़े कामुक भी होते हैं, हरियाली पेड़ पौधे बगीचे इनको बड़े अच्छे लगते हैं, लाल सफ़ेद हरा रंग इनको अच्छा लगता है। इनकी आकृति भेड़ के समान होने का, इनके गुण अवगुण जो है स्वभाव कुछ बहुत सारे भेड़ जैसे मिलते जुलते होते हैं। इस राशि के जो जातक हैं उनकी आयु अगर परमात्मा इनको ठीक ठाक रखे तो कम से कम जो है 60 साल इनकी आयु होती है, 60 से आगे प्रभु की मर्जी है। इनको जातक वैसे दीर्घायु होते हैं, ये दुर्घटना या चोट के कारण इनकी मृत्यु जो हो सकती है, लेकिन ये दीर्घायु होते, कम से कम आयु इनकी 60 वर्ष होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 80-85 साल तक इनकी आयु होती है। इनका स्वास्थ्य बहुत नरम गरम बना रहता है, कभी गर्मी विष्प्रभाव चोट घाव कोड़ नेत्र पीड़ा हो गई, कभी खुजली हो गया, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, कमजोरी शरीर पर जो हड्डी है उनकी चोट लग जाती है, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, बवासीर हो गया, गर्दन में पीड़ा हो गई, जैसे ये सर्वाइकल की जो बीमारी हो जाती है, जैसी बीमारी इनको होती रहती है, शरीर में कहीं ना कहीं इनकी चोट लगती है, जलने का कोई निशान होता है। अतः इस राशि की महिलाएं भाग भाग के आत्महत्या करती हैं, पुरुष का शरीर एक करने के बाद जिंदगी में जरूर कहीं ना कहीं जलता है या उसको चोट मिलती है। ये इस राशि के स्वास्थ्य की परिभाषा है कि इसको जिंदगी में कभी न कभी एक बार या तो चोट लगेगी या कहीं ना कहीं ये जलेगा। इसके जो विवाह की बात है, इसका जो विवाह संबंध है वो मेष राशि वृष राशि तुला राशि की स्त्री होने से सुख रहता है। इसको मेष राशि वाले के लिए, अगर मेष राशि है वृष राशि तुला राशि की स्त्री है वो सुख रहेगा, इसके लिए बढ़िया एकदम, क्योंकि शुक्र और मंगल, एक शुक्र शादी का सुख देता है और मंगल उसको मांगल्य देता है, इसलिए बढ़िया रहेगा। वृश्चिक मकर राशि सामान्य होते हैं इसके लिए, और मिथुन कन्या राशि से अनुभव प्राय कलेश पूर्ण रहता है। और किसी मेष राशि वाले की शादी अगर आप किसी मिथुन राशि कन्या राशि वाले से कर दोगे तो वापस में उनमें कलेश रहेगा, उनकी ज़िंदगी सुखी नहीं हो सकती है। कामुकता के कारण अपनी स्थिति से इसकी पटती नहीं है, क्योंकि थोड़ा ये मेष राशि वाले जातक कुछ कामांध होते हैं, इसलिए इनकी अपनी घरवाली से पटती नहीं है। काम वासना की तृप्ति के लिए भटकता रहता है, परिवार के प्रति इसका व्यवहार अस्थिर रहता है, परिवार के प्रति थोड़ा सा ये कम गैर जिम्मेदार होते हैं, पूरा जिम्मेदारी निभाते हैं, थोड़ा सा गैर जिम्मेदार होते हैं। जीवन निर्वाह के लिए ये सेना में या बड़े ऊंचे पदों पर संगठन करता हो, डॉक्टर हो, व्यापारी, वकील, दवा विक्रेता, नेता के रूप में ये लोग खुश होते हैं। इस व्यक्ति के लिए पूर्व उत्तर और पूर्व दक्षिण दिशाएं विशेष शुभ होती हैं। इंडोनेशिया है, जैसे कलकत्ता है, शिमला है, पेरिस है, कनाडा है, ब्रेडलैंड है, ब्लेड ग्रेड है, स्थानों बड़ा इनका भाग्योदय होता है। तो कुल मिला के ये जो राशि है मेष राशि, ये बहुत प्रभावशाली राशि है, बहुत ताकतवर राशि है, और सबसे पहले इसी का नंबर आता है। इसके जो जातक होते हैं वो बड़े अच्छे कद काठी के ठीक होते हैं, मजबूत शरीर होता है उनका, ठीक होते हैं, लेकिन थोड़ा उनका दिमाग अस्थिर होता है, तो कभी कभी वो अपने विचारों से आगे पीछे हट जाते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, थोड़े भ्रमण पर भी होते हैं ये, इनको घूमना, क्योंकि इनमें भरणी नक्षत्र आता है, तो भरणी नक्षत्र जो है ना वो थोड़ा सा घूमने फिरने की आज़ादी ऐसे जातकों को जरूर देता है, जब देता है तो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। तीर्थ स्थान हैं हमारे, धार्मिक स्थान उन पर बहुत ज़्यादा ये आते जाते हैं ऐसे जातक, और उनको वहाँ जाते हुए बहुत अच्छा लगता है। आज मेष राशि के बारे में इतना ही है, अब मैं आपको अगली जो राशि है वृष राशि उसके बारे में बताऊँगा। जय जय श्री राधे। मेरा फ़ोन नंबर 99106-30431 है, 9654089167 है। अब आपको कोई दिक्कत हो, किसी तरह की परेशानी हो, कुंडली के बारे में आपने कुछ जानना हो, कुंडली किसी को दिखानी हो, आप मेरे को इसी नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ज्योतिष की जो कोई भी दिक्कत आपको आपकी कुंडली में है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को कोई दवाई नहीं लगती है, कोई परेशान है, कोई अपने शिक्षा के बारे में जानना चाहता है, कोई अपने करियर के बारे में जानना चाहता है, या कोई अपने शादी के बारे में जानना चाहता है, आप मुझे बेधड़क कॉल कर सकते हैं और मेरे को इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ आज मेष राशि का ये विश्लेषण पूर्ण हुआ, मैं इसके बाद आपको वृष राशि के बारे में बताऊंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।